आपको क्या लगता है, भगवान एक है या अनेक? एक या अनेक? एक। अच्छा आप चलो, हम आपसे कहते हैं आप भगवान का स्मरण करो, आंख बंद करो, भगवान देखो, देखो जरा। किसी के आंख बंद करने पे हनुमान जी आए होंगे, किसी के में गोपाल जी आए होंगे, किसी के में राम जी आए होंगे, किसी के में दुर्गा मैया आई होंगी, हैं? अब आपको क्या लगता है, एक है कि अनेक? अगर एक होते तो इतने क्यों दिखे सबको? अच्छा इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देते हैं, भगवान एक ही हैं पर अलग अलग क्यों दिखते हैं? चलो हम आपसे एक बात कहते हैं, एक और बात आंख बंद करके सोचो, अपने अपने बारे में सोचो, बाप, आंख बंद करो, सोचो अपने अपने। अच्छा बाप एक होता है या अनेक? एक होता है, पर आंख बंद करके देखो, किसी के राम बिहारी होंगे, किसी के राधे श्याम होंगे, किसी के कृष्ण बिहारी होंगे, किसी के रामू गुप्ता होंगे, हैं? अलग अलग हैं। अच्छा जब अलग अलग हैं तो आप ये कैसे कह सकते कि एक होता है? अलग अलग हैं जब दिख रहे हैं आंख बंद करने पे, तो एक कैसे? तो सुनो जरा, भगवान भी और पिता भी एक होते हैं दोनों, पर वे अलग अलग दिखते इसलिए हैं, एक है पर सबकी भावना अलग अलग। जैसे पिता तो एक ही होता है पर सबका अलग अलग होता है, ऐसे ही परमात्मा तो एक होता है पर सबकी भावना में वो परिवर्तित हो जाता है। किसी ने राम जी को पूजा, किसी ने कृष्ण को पूजा, किसी ने हनुमान को पूजा, किसी ने दुर्गा को पूजा, किसी ने, जिसकी जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। आज के बाद यह यदि कोई कहे कि भगवान अनेक हैं तो उस चक्कर में नहीं पड़ना, एक ही है।